हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्लेक्सन टैबलेट का फुल रिव्यू। आज की इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उस टैबलेट के रिगार्डिंग, उसको कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, डॉक्टर किस बीमारी में इसको यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग भी विजिट कर गए हैं, वीडियो को लोग लास्ट तक देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में सब चीज़ बताने वाला हूँ, डॉक्टर इसको किस कंडीशन में, किस बीमारी में यूज़ करते हैं, इसकी डोज एंड ड्यूरेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर मेडिसिन से रिगार्डिंग और हेल्थ से रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती रहेगी, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और आपके वीडियो में कोई भी माइंड में सवाल जवाब आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्लेक्सन टैबलेट की। तो ये आपको मार्केट में हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा फ्लेक्सन नाम से। और इसकी कंपनी की बात करूँ तो अरिस्टो कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत ही एथिकल कंपनी। और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट आती है और सिरप आते हैं, सबके सब देखा गया बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो लोग भी इसको यूज़ किए हैं, डॉक्टर या पेशेंट, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बताते हैं इसके बारे में। सो अब रिव्यू कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो जो फ्लेक्सन एमआर का जो मेन इंग्रेडिएंट है, तो दो इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, एबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल। तो जो दोनों इंग्रेडिएंट का काम है, इसको यूज़ किया जाता है पेन किलर के तौर पर और फीवर रिलीफ के लिए। और पेन किलर की मैं बात करूँ तो पेन चाहे किसी भी तरह का हो, लाइक डैट आप कह सकते हैं हेडक हो, ज्वाइंट्स पेन हो, मसल्स पेन हो, अर्थराइटिस हो, ऑर्थोआर्थराइटिस हो, और ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो किसी को, या मोच आ गई हो, सिर में चोट लग गई हो, कह सकते हैं एक्सवाइजेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो स्टमक पेन को छोड़ के, तो बाकी सब पेन में काम करता है, क्योंकि ये एनाल्जेसिक है, एक तरह का एंटीपायरेटिक जो कि दर्द में बहुत अच्छा रिलीफ देता है। जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको भी बहुत अच्छा आराम देता है। तो ये तो हो गई इसकी यूजेस की बात, इसको किस कंडीशन में यूज, और डॉक्टर जिन लोगों के ये सिम्टम्स देखते हैं उन्हीं लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये शेड्यूल एच ड्रग है, डेट मीन्स इस ड्रग को यूज करने से पहले आपको डॉक्टर की पर्ची या इसकी एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है, और फार्मासिस्ट की। इंडिविजुअली इसको नहीं यूज कर सकते। इसका रीजन क्या है, ये वीडियो की आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, जब वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको प्रॉपर पता लग जाएगा इसको इंडिविजुअली क्यों नहीं यूज कर सकते, आप डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है इसको यूज करने के लिए, आपको क्लियर हो जाएगा जब वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। तो सो बात कर लेते हैं अब इसके जो नॉर्मली साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट तो ऐसे इसको कॉमन से जो साइड इफेक्ट हैं, कह सकते हैं हेडक हो गया, हार्टबर्न हो गया, आपका घबराहट होने लगेगी, दिल में जो होता है जलन होने लगेगा आपके छाती में, हार्टबर्न हो गया, और नोजिया हो गया, स्टमक पेन हो गया, इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। और अदर साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ, किसी को कोई एलोपैथिक मेडिसिन है तो उसका साइड इफेक्ट, किसी किसी को एलर्जी बहुत जल्दी कर जाता है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का जो इंग्रेडिएंट है सबके बॉडी को सूटेबल नहीं होता है, तो कह सकते हैं किसी किसी को एलर्जी करने लगता है। तो अगर ये आपको लेने के बाद इसको अगर आपके ऑल ओवर बॉडी में दाने पड़ जा रहे हैं, इचिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या आपको लग रहा है खुजली सी बहुत हो रही है, चीटी सी रेंग रही है पूरे स्किन पर, ऐसा कुछ लगता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के जितना पॉसिबल हो जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके मिलें और उसको बताएं उसका जो एलर्जी हुआ है, उसका इंजेक्शन लगता है, तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे देगा। अगर लेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग इस टैबलेट को पहली बार ले रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो ये तो उसके हो गए साइड इफेक्ट की बात। अगर मैं बात करूं डोज एंड ड्यूरेशन की, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये 14 साल से ऊपर की एडल्ट डोज है, तो इसको दिन में दो बार नॉर्मली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ज्यादा कंडीशन होती है तो 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। जो इसका इंटरवल टाइम है 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं इस डोज को। इंटरवल टाइम मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक टैबलेट ले ली, तो आप नेक्स्ट डोज इसकी कब ले सकते हैं, तो 3 से 4 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा इसकी जो नेक्स्ट डोज लेने के लिए। तो इस बात का ख्याल रखें बहुत ज्यादा। और कुछ और भी बहुत सी बातें हैं इसके डिटेल में, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अब डिटेल की मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको किस किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको आप खाना खाने के बाद ही यूज करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। खाली स्टमक खाली पेट यूज करेंगे तो ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, पर देखने को मिल जाएगा कुछ, जो लोग ज्यादा वीक रहेंगे तो उनको चक्कर या कुछ ऐसे आने लगेगा खाली पेट लेंगे, तो खाना खाने के बाद ही इसको यूज करें, ये हो गया। और सेकेंड ये होता है, जो जिन लोगों का जो उसको लेते हैं जिनका स्टमक अपसेट हो या स्टमक में प्रॉब्लम हो, डायरिया, लूज मोशन या स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर को पहले बताएं उसको लेना बंद कर दें, इसको मत लें, डॉक्टर को बताएंगे तो मेडिसिन चेंज कर देगा। और जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डॉक्टर को बता दें तो मेडिसिन ना लें। और अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल के टाइम तो इसको बिल्कुल ही नहीं ले सकते, इस पर लीवर आपका डैमेज हो जाएगा, किडनी आपकी डैमेज हो जाएगी, ऐसे है। और एक तरह की ये प्रिस्क्राइब ड्रग है, डॉक्टर की एडवाइस में इसको यूज किया जाता है। अगर उसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं इंडिविजुअली, तो आपको आने वाले टाइम में आपका किडनी और लीवर डैमेज होने के
बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे, क्योंकि ये पेन किलर टैबलेट है तो आप लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना, तो अब सोचेंगे आप हम क्यों यूज करें। मेरे सामने कई ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाएंगे तो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है डॉक्टर, तो इनको आराम हो जाता है, तो इस मेडिसिन को अपनी मर्जी से कंटिन्यू रखते हैं, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक इसको खाते हैं, तो इनको ये होता है हमें इस मेडिसिन से आराम है तो हम दूसरी मेडिसिन क्यों लें। तो ऐसा नहीं है, जब आपको आराम हो जाता है डॉक्टर से मिलिए इनको बताइए तो ये आपकी मेडिसिन जो पेन किलर होगी इसको हटा देंगे और कम कर देंगे, मेडिसिन हो या जो भी इनको सूटेबल लगेगा तो आपको चेंज कर देंगे। और बाय चांस अगर इसकी कंडीशन और भी है, जैसे मान लीजिए अब कई लोग सवाल करते हैं सर इसके साथ हम और कौन सी मेडिसिन चला सकते हैं या इसके साथ कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो अगर आप अपनी मर्जी से यूज करेंगे मान लीजिए अगर आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, मान लीजिए इसमें पेन किलर है, तो उसके साथ अगर आपको और कोई साथ में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको और कोई भी पेन किलर साथ में खाते हो लाइक डेट आप कह सकते हैं डेक्लोफेनक हो गया या ऐसा और कोई मेडिसिन हो जिसका आपको स्ट्रिप अलग रहेगी पर पैरासिटामोल इंग्रेडिएंट इसके अंदर होगा, तो आप समझ सकते हैं इसकी डोज ज्यादा हाई हो जाएगी। जैसे इसमें भी पैरासिटामोल है और कोई टैबलेट लेंगे इसमें भी पैरासिटामोल रहेगा विदाउट नॉलेज, तो आपकी डोज जो हाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, लॉन्ग टाइम में आने वाले टाइम में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस बात का ख्याल रखें, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं पहले से तो डॉक्टर को पहले ही आपको बता देना चाहिए मैं ये मेडिसिन ले रहे हैं, वो पेन किलर ले रहे हैं या किसी भी तरह की डॉक्टर मेडिसिन ने प्रिस्क्राइब की है आपका किसी भी कोई भी मेडिसिन हो। हाँ, जो शुगर वाले पेशेंट हैं मान लीजिए शुगर या बीपी वाले प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें। सपोज डेट मान लीजिए कोई हर्ट का पेशेंट है, हर्ट वाले पेशेंट में ही होता है मेडिसिन बहुत लाइट वेट चलता है, बहुत हल्की मेडिसिन चलती है, तो उस कंडीशन में ही होता है इनको बहुत सोच समझ के मेडिसिन देनी पड़ती है डॉक्टर को। डॉक्टर सबको पता होता है किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन चलानी है, इनका क्या है, क्योंकि ये डायग्नोस कर लेते हैं, जो डॉक्टर होते हैं डायग्नोस करेंगे और आपकी बीमारी के हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे, और अगर आप इंडिविजुअली लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप डॉक्टर से सोच समझ के ही कोई मेडिसिन यूज करें, इंडिविजुअली मत यूज करें, किसी से भी एक्सपर्ट हो जो इससे आप एडवाइस ले लें एक बारी, ताकि आपको कोई भी इसके साइड इफेक्ट हो या हार्मफुल इफेक्ट हो आप इससे बचे रहें और सेफ रहें। और ये तो हो गया, चलो इसके मैंने बात कर दी जो भी है, और इसके एमआरपी की बात करूं तो ये आपको 22 रुपीज में 15 टैबलेट के पैकिंग में आ जाएगा, इस तरह की बहुत अच्छी पैकिंग है और बहुत सस्ता भी है देखा जाए, और रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, और अरिस्टो कंपनी का रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब है इसके रिकॉर्डिंग है और मेडिसिन का रिकॉर्डिंग आप बताइए, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी और उसका रिप्लाई भी 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, और आपको जो वीडियो है अब थोड़ी सी कंटिन्यू मिलने वाली है क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों के लिए टाइम निकालना, बट आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट कोई ना कोई जरूर करिएगा, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं अगर इनको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कमेंट रीड करके, तो इस बात का ख्याल रखें कमेंट तो बनता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इतना टाइम देने के लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली है हेल्थ से रिलेटेड और मेडिसिन रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।